हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है ओके लेट्स कंटिन्यू विथ एग्जाम्पल नंबर फोर इन लास्ट वीडियो वी हैव कम्पलीटेड एग्जाम्पल थ्री फॉर द न्यू कंसेप्ट है ना जो न्यू कंसेप्ट हमने कल सीखे थे वीडियो में वो सब न्यू कंसेप्ट का मैंने एग्जाम्पल थ्री सिखाया एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्योंकि इसमें जो मैंने प्रोसीजर दिखाई डेफिनेटली वी विल नीड टू प्रूव ऑल द क्वेश्चन प्रूव दिट वाले जो भी क्वेश्चन है हम ये सभी क्वेश्चन को ये प्रोसीजर से ही प्रूव करेंगे सो कीप इन योर माइंड दैट ये प्रोसीजर है ना कंप्लीटली याद रखनी है दैट्स फॉर एग्जाम्पल थ्री इज मोर इम्पोर्टेंट ओके एंड कल हमने फॉर्मुला देखे थे एडिशन प्रॉपर्टी वाले टेन इनवर्स एक्स प्लस नाइन इनवर्स वाई इक्वल टू दिस एक्स प्लस वाई बाई वन वन एक्स वाई इफ एक्स वाई इज़ लेस देन वन ग्रेटर देन वन है तो पाई एड करना है इक्वल टू वन है तो डायरेक्टली पाई बाय टू आ जाएगा डेफिनेटली वो तो आप अगर इसमें भी रखोगे ना वैल्यू एक्स वाई इक्वल टू वन आ जाते तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फाइनिट बन जाएगा टेन इनोस इन्फाइनिट पाई बाई टू आप वो भी बना सकते हो तो इसको अगर सेपरेटली याद नहीं भी रखा है तो भी आपका आंसर वन में वन के यूज से फार्मूला नंबर वन के यूज से पाई बाई टू मिल जाएगा एंड टेन इनोस एक्स माइनस टेन इन वाई का फॉर्मूला है टेन इनोस एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई ओके एंड हमने ये तीन फार्मूला भी पढ़ लिए है इनवर्स एक्स प्लस कोसिनोस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू टेन इन प्लस पाई बाई टू कॉसेक इनवर्स प्लस सेक इनवर्स इज पाई बाई टू एंड साथ में यही रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला भी पढ़ लिए बराबर इसमें सेन इनवर्स कॉशेक इनवर्स एंड कॉसक इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले, ले लेंगे फॉर एनी कंडीशन बट इफ वी हैव टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स इसकी कंडीशन है तो स्पेशली एक्स लेस देन जीरो के लिए ध्यान रखना है अगर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई सपरेट करेंगे टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे तो पाई एड करेंगे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो मैंने बताया था उस हिसाब से यूनिट सर्कल से बना लो ठीक तो है तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर फोर से इसको प्रूव करना है मतलब एल एच एस आरएचएस आर एच एस दिखाना है भाई तो एल एच एस क्या है भाई यहाँ पे एल एच एस है टेन इनवर्स ऑफ वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स ऑफ टू बाई इलेवन ओके नाउ लेट्स मल्टीप्लाई लेट्स एड एडिशन प्रॉपर्टी वन बाई टू प्लस 2 बाई 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये 1 बाई 2 इंटू टू बाई इलेवन बराबर यहां पे ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के टाइम अगर आपको बाय चांस ऐसा लगे कि भैया तो वन से बड़ा हो जाता है तो फिर पाई ऐड कर लो समझ लो ये दोनों नंबर फाइव एंड सिक्स है बराबर तो डेफिनेटली आपको क्या लगे कि फाइव फाइव सिक्स थर्टी तो वो टाइम पे आप बस एक्स्ट्रा पाई ऐड कर लो है ना बट अगर आपको ऐसा लगे कि ये नंबर जो है वो वन से छोटा है ये मल्टीप्लीकेशन जैसे यहाँ पे वन से छोटा आएगा देखो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा एंड क्या बचेगा वन बाई इलेवन डेफिनेटली वन बाई इलेवन इज लेस देन वन सो वी डोंट नीड टू एक्स एड एक्स्ट्रा पाई वहाँ पे आपको पाई ऐड करने की ज़रूरत है नहीं ठीक है चलो तो यहाँ पे क्या बना फिर फाइनली दिस इज इक्वल टू अच्छा ये टू टू नहीं कैंसिल किया तो तभी तो चल जाता क्योंकि ट्वेंटी टू हम एल्सीम लेते सो so, लेट्स फॉरगेट दिस टू टू है ना ये two को निकाल देते हैं फॉरगेट सोचे तो ये टू कैंसिल नहीं करना है क्यों कैंसिल नहीं कर रहा हूं मैं ताकि इसका भी एलसीएम ट्वेंटी टू बने यहाँ पे एलसीएम ट्वेंटी टू बन जाए और यहाँ पे भी एलसीएम ट्वेंटी टू बन जाता है देन वी कैन यूज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है ये इलेवन वन के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये टू इस तरफ टू के साथ मल्टीप्लाई होता है, है ना सो इलेवन इन टू वन दैट इज इलेवन प्लस टू इंटू टू दैट इज फोर ओके ना मैं ये बोल रहा हूँ ये इलेवन ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये टू ये टू के साथ मल्टीप्लाई होगा दैट इज वॉट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर ओके एंड सिमिलरली यहाँ पे नीचे तो नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आया टू इंटू इलेवन दैट इज ट्वेंटी टू दैट विल बी मल्टीप्लाई ओवर ईयर ओके सो ट्वेंटी टू माइनस टू है ना यहाँ पे ऊपर बचा क्या ऊपर वन एंड टू उसका मल्टीप्लीकेशन टू अब ये दोनों के डिनोमिनेटर में ट्वेंटी टू आएगा इसके डिनोमीटर में भी ट्वेंटी टू आएगा और इसके डिनोमीटर में भी ट्वेंटी टू आएगा दैट विल बी कैंसल्ड आउट ये प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको पता ही है बट फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करवा ली क्योंकि हम टेन इनवर्स वाले सभी क्वेश्चन में ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे ओके ओके मूव फॉरवर्ड टेनिनस इलेवन प्लस फोर दैट इज फिफ्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू माइनस टू विच इज ट्वेंटी नाउ इफ यू कैन कैंसल इट आउट अगर हम उसको कैंसिल करते हैं तो ऊपर थ्री फाइव जा एंड फोर फाइव जा सो इट बिकम टेन इनवर्स वर्स थ्री बाई फोर सो आंसर इज टेन इनवर्स वर्स थ्री बाई फोर विच इज योर आर एच एस एंड प्रूव ठीक है तो ये क्वेश्चन हो गया खत्म एग्जाम्पल फोर चलते हैं एग्जाम्पल फाइव की तरफ एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर टर्म इन सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसको प्रूव नहीं करना है कि चलो इसके इक्वल टू तो ये प्रूव कर लो कुछ भी प्रूव कर लो ऐसा नहीं दिया है बट इसको सिम्प्लीफाई करना है बस तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना इसको सिम्प्लीफाई करना है मतलब वहाँ पे हमको टारगेट पता नहीं है बट वी नीड टू ट्राई दिस वन इन टू एज सिंपल एज सिंपल फॉर्म है ना जितना हो सके उतना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मतलब इनवर्स वगैरह सब कंपोजिट फॉर्म निकाल देंगे हम एनी हाउ तो यहाँ पे सोचने वाली चीज़ क्या है ये कॉस एक्स है और यहाँ पे वन माइनस साइन एक्स है और इलेवेंथ में मैंने बहुत बार बताया था कि जब भी आपको कॉस बाई वन माइनस साइन दिखाई दे या वन माइनस कोस बाई साइन दिखाई दे है ना या साइन बाई वन माइनस कोस वन प्लस कोस इस तरह की कोई चीज़ें दिखाई दे है ना तो मोस्टली ये वाली चीज़ें आपको नोटिस करनी है बराबर अगर कोस जो है वन के साथ हो और साइन अकेला हो तो प्रोसीजर सिंपल है तो प्रोसीजर सिंपल है अगर cos जो है वो वन के साथ हो और साइन अकेला हो ठीक है साइन अकेला हो तो प्रोसीजर क्या है भाई वन माइनस कोस को लिख सकते टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू साइन टा बाई टू कॉस थीटा बाई टू है ना तो हम यहाँ से डेफिनेटली कैंसिल करेंगे sign, sign, एक कैंसिल करेंगे तो बचेगा क्या ऊपर एक साइन बचा नीचे कॉस तो टेन थीटा बाई टू तो ये सिंपल से फॉर्म में आ जाता है तो अगर कॉस वन के साथ हो एंड साइन अकेला हो तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजीली है ना फिर कॉस ऊपर हो या नीचे मतलब साइन ऊपर थी साइन थीटा ऊपर हो एंड नीचे वन प्लस कोसिटा हो या फिर वन माइनस कोसिटा हो कुछ भी चल जाएगा बट कोस हमेशा ही वन के साथ होना चाहिए साइन हमेशा ही अकेला होना चाहिए अगर ऐसा है तो वी कैन ईजिली सिंप्लीफाई इट बट यहाँ पे उल्टा है कोस अकेला है यहाँ पे कोस क्या है अकेला है एंड साइन वन के साथ है तो कोई बात नहीं हम कन्वर्ट कर देते कोस को साइन में कन्वर्ट करते हैं फाइव बाई टू माइनस सीटा से एंड साइन को कोस फाइव बाई टू माइनस सीटा से कन्वर्ट करते हैं तो चलो ऐसा करने से क्या फायदा होता है देखते ठीक है कॉस्ट को साइन में एंड साइन को कॉस्ट में कन्वर्ट करने से फायदा क्या हुआ ये साइन अकेला हो गया एंड कॉस्ट किसके साथ आ गया भाई वन के साथ ओके अब अब साइन थीटा का मैंने बताया ना साइन थीटा एंड डी एड बाई वन माइनस कॉस हो तो साइन थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे टू साइन कॉस वाला और ये जो भी थीटा होगा उसका हाफ यहां ले, पे लेंगे ठीक है कोई भी थीटा हो उसका हाफ लेंगे और नीचे वन माइनस कॉस में टू साइन स्क्वायर जो भी थीटा होगा उसका हाफ तो यहां पे हम ये ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं सपोज तो क्या बनेगा टेन इनवर्स साइन का टू साइन थी थीटा बाई टू मतलब ये ये जो जो भी थीटा है ये जो है फॉर्मेट एक्स का हाफ तो हाँ क्या होगा फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू है ना मतलब दोनों को टू टू डिवाइड कर लिया दोनों को टू टू से डिवाइड कर लिया टू साइन थीटा बाई टू इन कॉस थीटा बाई टू कोस को भी अगेन वही सेम फॉर्मेट में ठीक है और नीचे वन माइनस कोस की जगह क्या लिखा था मैंने वन माइनस कोस मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू सो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू मतलब क्या होगा इसका भी हाफ फाइव बाई फोर माइनस एक्स बाई टू ओके नाउ यू कैन सी वी कैन ईजिली कैंसल दिस टू टू और एक साइन कैंसल कर दिया देखो

सो so, अगर कोट में से टेन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते भाई कोट में से टेन में कन्वर्ट वो हमको पता है कोर्ट थीटा इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस थीटा है ना कोर्ट में से टेन में या फिर टेन में से कोर्ट में कन्वर्ट करना है तो यही प्रोसीजर लगाते थे ना हम लोग साइन से कॉस कॉस से साइन सेक से कोस एक्क कॉस एक् से सेक सो डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट का टेन बना रहे हैं हम लोग तो क्या लगाएंगे पाई बाई टू माइनस थीटा थीटा क्या है भाई पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू उसको ब्रैकेट में अलग से रखते हैं वापस एंड ये बड़ा ब्रैकेट और ये भी उससे बड़ा ब्रैकेट ठीक है ओके चलो तब तो इसको सिंप्लीफाई करते क्या बनेगा देखो टेन इनवर्स ऑफ टेन और यहां पे इसका सिंप्लीफिकेशन क्या बनेगा फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई फोर विच इज फाइव बाई टू प्लस एक्स बाई टू नाउ वी वॉन्ट टू कैंसल दिस वन टेन इनवर्स टेन को कैंसिल करना है

बेसिक थिंग दैट इज ऑलवेज यू नीड टू कीप इन योर माइंड ओके तो ये ये पाई 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 बाय 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 है, टू माइनस रेंज मुझे पहले फाइंड करनी पड़ेगी सो यहां पे एक्स दिया है ऑलरेडी एक्स दिया है एक्स इज गिवन माइनस पाई बाय टू से फाइव बाय टू ओके सो x ये वाली चीज़ पूरी की पूरी कन्व बनानी है क्रिएट करनी है तो पहले टू से डिवाइड कर लो है ना x है तो फिर टू से डिवाइड कर लो सबको एक साथ में ठीक है तो हम, हमने x बाई टू क्रिएट कर लिया यहाँ पे ओके okay? अब पाई बाय फोर ऐड कर दो इसमें फाइव बाई फोर ऐड कर दो तो फाइव बाय फोर ऐड करने पे यहाँ पे क्या बनेगा जीरो बन जाएगा ना इसके अंदर फाई बाय फोर ऐड करेंगे तो फाइव बाई फोर बाई बाई फोर कैंसल दो तो जीरो तीनों में एक साथ में पाई बाई फोर ऐड करना है तो इसमें पाई बाई फोर सिंपली ऐड हो गया और इसमें ऐड करने पे क्या होगा भाई इसमें तो पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना होता है पाई टू. है ना 45 45, so ईयर दैट ये जो भी बना आपके पास पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू जो भी बना विच इज इन साइड दिस रेंज कौन सी रेंज के अंदर है ईयर वी कैन सेयर फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के अंदर है वो है ना कहाँ से कहाँ के अंदर है माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के अंदर सो टेन इनवर्स ऑफ टेन फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू फाइव बाई फोर प्लस एक्स बाई टू एंड दैट इज योर आंसर यही आपका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म इसके आगे तो सिंपल करना है नहीं यही हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म ट यूनवर्स टेन कैंसल एंड दिस इज योर आंसर है ना इसके लिए पूछा था इसके इक्वल टू आगे बढ़ते गए बढ़ते गए टेन यूनिवर्स एंड टेन कैंसिल करने की कोशिश की कैंसिल भी कर दिया एंड फाइनली जो बचा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया खत्म है ना सिमिलरली एग्जाम्पल सिक्स में भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कैसे बनाया जाए तो वहाँ पर क्वेश्चन में एक्स की जगह कॉटे यूनिवर्स के अंदर साइन एंड कॉस्ट के फॉर्म में कुछ भी था है ना यहाँ पे क्वेश्चन में साइन एंड कॉज के फॉर्म में सब कुछ था सो हमको एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी वी कैन ईजिली सिम्प्लीफाई दिस वन इसका यूज़ करके फॉर्मूला लगा दिया एंड ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कर ली बट यहाँ पे एक्स ही है तो एक्स है तो मैंने बताया था ना आगे एग्जाम्पल फोर के अंदर मेरे ख्याल से थ्री या फोर में हाँ थ्री में थ्री में तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था अगर x है तो हमको एनी हाउ ये इसको अगर सिम्प्लीफाई करना है तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा और अंडर रूट निकालने के लिए मुझे x की जगह कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा तब मैंने वहां पे बता दिया था कैसे एज्यूम किया जाए तो एज्यूम करने का तरीका मैंने यह बता दिया था ऑलरेडी जस्ट फॉर द रिविजन परपज मैंने वापस एक बार दिखाया है तो यहां पर पहला है ये फॉर्मेट है देखो तो हम एज्यूम क्या करेंगे एक्स इक्वल टू सेक और कॉ कुछ भी कर सकते हो सेक थीटा ले लेते चलो है ना सो लेट्स एज्यूम एक्स इक्वल टू सेक लेट एक्स इक्वल टू सेक थीटा फिर ये लिखने के बाद मैंने क्या बताया था थीटा को सब्जेक्ट बनाओ सो थीटा इक्वल टू वट सेक इनवर्स एक्स फिर सेकंड स्टेप क्या है भैया पहला स्टेप स्टेप सेकंड स्टेप जो अंदर एक्स के फॉर्म में कंडीशन है उसको कन्वर्ट करके थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो सो so, ये मोड एक्स ग्रेटर देन वन है दैट इंप्लाइज एक्स की जगह लिख लो सेक थीटा सेक थीटा इज अगेन ग्रेटर देन वन एंड सेक थीटा अगर ग्रेटर देन वन है तो फिर सेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई लेस देन माइनस वन और sec थीटा इज ग्रेटर देन वन ओके ओके ये तो पता है ना आपको ये कैसे बनाया मैंने यहां से यहां से यहां पे कैसे गया पता है ना जैसे मोड एक्स ग्रेटर देन वन है तो हम इसको कैसे लिखते थे याद है ना एक्स वन से बड़ा और एक्स माइनस वन से छोटा है ना बस एक्स की जगह मैंने सेक थीटा लिख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं है तो अब अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए भाई तो ये माइनस वन है वो सेक की कौन सी वैल्यू है मैंने बताया था ना यहाँ पर फिर वैल्यू के जगह आपको सेक का फॉर्मेट लिखना है तो डेफिनेटली ये सेक पाई सेक पाई इज इक्वल टू माइनस वन और सेक थीटा वन कब आता है सेक ज़ीरो है ना कोस जीरो वन सेक जीरो वन कोस पाई माइनस वन सेक पाई माइनस वन ओके सो डेफिनेटली थीटा इज लेस देन पाई थीटा जो होगा पाई से छोटा होगा एंड थीटा इज ग्रेटर देन जीरो ओके सो थीटा जो है वो पाई से छोटा है एंड थीटा लेस जीरो से बड़ा है इट मीन्स व्हाट पाई से छोटा जीरो से बड़ा मतलब थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा थीटा जीरो से पाई के बीच में होगा ओके जीरो से बड़ा पाई से छोटा इट मीन्स वॉट पाई से छोटा है जीरो से बड़ा है मतलब जीरो से बड़ा है पाई से छोटा है खत्म जीरो से पाई के बीच में सो फाइनली वी हैव गोट अवर थीटा ओके दैट इज़ इन बिटवीन जीरो टू पाई ओके नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टेप पहला स्टेप क्या मैंने देखा बोला था एक्स की जगह एज्यूम करो वैल्यू सेकंड स्टेप जो कंडीशन दी है एक्स के फॉर्म में उसको थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड लास्ट स्टेप दैट इज एक्स जो है उसकी जगह ये जो एज्यूम किया है उसको रख दो इसके अंदर ठीक है तो फिर कॉट इनवर्स चलो अंदर वैल्यू रखने पे क्या होगा अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन ओके फिर

नव फ्रॉम हीयर वी कैन मेक इट टू केस दो केस बन सकते हैं क्यों दो केस बनेंगे तो हर बार तो नहीं बना रहे हम लोग तो यहाँ पे दो केस बनाने का एक ही रीज़न है क्योंकि मोड टेन थीटा जो है ना वो प्लस टेन थीटा होगा कब इफ थीटा इज इन बिटवीन जीरो टू पाई बाई टू एंड अगर मोड टेन थीटा थीटा जो है ना वो थीटा अगर फाइव बाई टू से बड़ा है तो मोड टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा आएगा है ना तो ये दोनों केस अलग अलग होंगे भाई डेफिनेटली क्योंकि हमारे पास थीटा जो बना वो क्या बना जीरो से पाई के बीच में बना सो फर्स्ट क्वार्टर में डेफिनेटली मोड टेन इक्वल टू टेन थीटा होता है फर्स्ट क्वार्टर में टेन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वार्टर में टेन नेगेटिव होता है सो मोड टेन इक्वल टू माइनस टेन थीटा नीड टू राइट ओवर हियर ओके सो मोड को नेगेटिव में छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे मोड को पॉजिटिव में छोड़ा सो डिपेंड्स ऑन थीटा फर्स्ट क्वार्टर में एंड सेकंड क्वार्टर में सो आई नीड टू राइट बोथ द केस दोनों केस में मुझे ये आंसर बनाना पड़ेगा सो so, फाइनली पहले केस में कोट इनवर्स ऑफ अपन मोड टेन इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई सो दैट इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ वन अपन प्लस टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू कोट इनवर्स ऑफ वन बाई टेन मीन्स कॉट थीटा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा क्यों थीटा बिकॉज रीजन हम यहां पे लिख सकते हैं ना थीटा बिलोंग्स टू तो जीरो टू तो पाई बाई टू और क्या होना चाहिए तो थीटा कहां पे कहां से कहां पे होना चाहिए तो, तो पाई के बीच में होना चाहिए कोट इनवर्स की रेंज जीरो से पाई है तो उसके अंदर ही है सो आई कैन राइट थीटा एंड थीटा इक्वल टू तो क्या है थीटा इक्वल टू से फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट केस ओके फॉर द सेकंड केस लेट एस सी कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई मोड टेन थीटा दैट इज इक्वल टू वट कॉट इनवर्स ऑफ वन बाय माइनस टेन थीटा ओके नाउ वट वी कैन राइट इट इनवर्स अपर माइनस टेन थीटा मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस कॉट थीटा अब ये पहले नेगेटिव साइन बाहर निकाल देते हैं सो नेगेटिव साइन बाहर निकल गई तो नेगेटिव कोट इनवर्स में बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा पाई माइनस कोट इनवर्स कोट थीटा है ना नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर पाई माइनस थीटा है ना ये थीटा अगेन ये कोट इनवर्स कोट कैन बी कैंसल्ड, एंड थीटा लिख सकते हैं उसका रीजन अगेन क्या है वही रीजन बिकॉज़ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई यहां पे पाई बाय 2 से पाई के बीच में है है ना और पाइबा टू से पाई के बीच में है तो भी चलेगा क्योंकि कॉट इनवर्स की रेंज क्या है जीरो से पाई तो जीरो से पाई है उसके अंदर पाइबा टू से पाई आ जाएगा सो डेफिनेटली आई कैन कैंसल आउट कॉट इनवर्स कॉट एज दे आर हैविंग थीटा विच इज इन साइड द रेंज विच इज पाई जीरो से पाई सो पाई माइनस थीटा एंड थीटा इक्वल टू अगेन वॉट वी कैन राइट थीटा इक्वल टू फाइनली माई आंसर इज वट ये दोनों केस में कॉट इनवर्स वना पर माइनस वन का आंसर क्या बना सेक्स x, सेक इनवर्स एक्स या फिर पाए माइनस सेक इनवर्स एक्स इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट तो पहली कंडीशन पहली कंडीशन जीरो से पाए टू वाली अल्टीमेटली जीरो से पाए टू थीटा है तो थीटा अगर जीरो से पाए टू है तो एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि इससे हमको दो कंडीशन मिलती है ना भाई एक्स ग्रेटर देन वन और एक्स लेस देन माइनस वन तो ये जो पॉजिटिव वाली कंडीशन है वो ये है ये वाली है और नेगेटिव वाली कंडीशन वो ये वाली है है ना सो डेफिनेटली वट वी कैन राइट एयर थीटा जो है वो पॉजिटिव वाला केस में एक्स पॉजिटिव वन एंड नेगेटिव वाले केस में हम लेस देन वन सो ये दोनों केस का आंसर अलग अलग होगा वैसे एनसीआरटी की बुक में एक ही आंसर दिया है हैव टेकन ओनली वन आंसर कंडीशन पूरी की पूरी ली मोड एक्स ग्रेटर देन वन लिया बट आंसर एक ही बनाया है बट दैट इज रॉन्ग है ना वो एक्चुअली रॉन्ग है हमको ये दोनों आंसर एक्चुअल में लिखने पड़ते हैं इफ़ दे हैव गिवन दिस टू कंडीशन क्योंकि क्वेश्चन में उन लोग ने क्वेश्चन में उन लोग ने मॉड एक्स ग्रेटर देन वन लिया है मतलब एक्स ग्रेटर देन वन भी हो जाएगा एंड एक्स लेस देन माइनस वन भी हो जाएगा ये दोनों कंडीशन है तो दोनों कंडीशन के सेपरेट आंसर हमको डेफिनेटली दिखाने पड़ेंगे ओके सो दैट इज वॉट सम वॉट एरर इन एन बुक सम टाइम हैपन्स है ना बट वी नीड टू केयर अबाउट दिस काइंड ऑफ एरर हमको खास पता स्पेशली पता होना चाहिए भी जब भी कंडीशनल क्वेश्चन हो वी हैव टू सी ऑल द कंडीशन ईच एंड एवरी कंडीशन बेस्ड ऑन दैट कंडीशन ओनली वी नीड टू गेट आवर आंसर कंडीशन के हिसाब से हमको आंसर बनाना पड़ेगा एंड टू बी प्रिसाइज अगर आंसर आ रहा है तो फिर डेफिनेटली वो सब कंडीशन मैच हो जाएंगी है ना लेट्स गो मूव फॉरवर्ड ओके सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर सेवन LHS equal to RHS, we need to prove this one. LHS equal to say, okay, now this is tan inverse x plus tan inverse 2 x by 1 minus x square. Uh, the formula of addition that we can apply over here, x plus 2 x by 1 minus x square divided by 1 minus x into 2 x by 1 minus x square. Achha. यहां पर एक्स्ट्रा पाई ऐड करे या फिर नहीं करे दैट इज डिपेंड्स ऑन दिस वन है ना तो सबसे पहले एक काम करते हैं ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है ना उसका उसकी आंसर उसकी रेंज बना लेते हैं कि उसकी रेंज क्या है लेस देन वन है ग्रेटर देन वन है मतलब पाई बाई टू एड करना है या नहीं करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सी दिस वन ओके चलो इसको देखते हैं है ना ये दोनों के मल्टीप्लीकेशन की रेंज

तो डेफिनेटली वो कैंसिल होकर फिर एक्सक्वायर uh, की रेंज से हम आंसर बना सकते हैं रेंज बना सकते हैं एक्स एक्स की रेंज है तो एक्सक्वायेर की रेंज बनेगी एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन क्रिएट द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन विच इज वी गेट ओवर ईयर सो लेट्स क्रिएट डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर तो माइनस से मल्टीप्लाई दो बार कर लेती है कर लेते हैं एंड देन इफ वी कैन एड वन एंड सब ट्रैक वन ओके वी कैन एड एंड वन एड वन एंड सब ट्रैक वन देन वॉट वी गेट माइनस टू इन टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क् माइनस वन बाई वन माइनस एक्सक्वायर डिनोमिनेटर सेपरेट करने पे है ना सो इफ पॉसिबल वी कैन ट्राई टू कन्वर्ट द फॉर्म इन सच अ वे दैट एक्स कम्स एट वन प्लेस ओनली एक्स वाला टर्म जो है ना वो एक ही जगह पर आ जाए इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया ठीक है अब बाकी सभी जगह पर एक्स है ही नहीं सिर्फ यहाँ पे एक्स है चलो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मतलब माइनस टू अंदर मल्टीप्लाई करने पे माइनस टू और ये पीछे वाला टर्म प्लस टू बाई वन माइनस एक्स पर हो जाएगा और ये माइनस टू हो जाएगा ओके नाउ लेट्स सिम्पलीफाई दिस वन इसको इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करें ताकि इसकी हमको रेंज मिल जाए इसकी रेंज मतलब फाइनली इसकी रेंज ठीक है सो स्टार्ट करते हैं एक्स मोर एक्स लेस देन वन बाई रूट थ्री से एज वी हैव मोड एक्स लेस देन वन बाई रूट थ्री ओके सो स्क्वायर करने पर दोनों साइड स्क्वायर हो गया ओके वट नाउ वी आर डूइंग ये हम पर्टिकुलर टर्म पूरा क्रिएट करेंगे सो so पहले स्टार्ट किया एक्स स्क्वायर से फिर एक्स स्क्वायर में नेगेटिव मल्टीप्लाई किया है ना एक्स स्क्वायर में नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्सक्वायर मिलेगा तो यहाँ पर भी वही चीज करते हैं सो माइनस मल्टीप्लाई करने पे माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन बन जाता है ग्रेटर देन एंड बिकम माइनस वन बाई थ्री

टू बाई थ्री का थ्री बाई टू बट ऑलवेज इन इक्विलिटी चेंज होती है टू कर ले, को लेना है सो लेट्स मल्टीप्लाई टू एट बोथ द साइड सो इट बिकम टू इन थ्री बाई टू विच इज थ्री नाउ वी नीड टू सब ट्रैक्ट वन सॉरी वन या टू हाँ, टू सब कर लो टू सब कर करने पे थ्री माइनस टू विच इज वन सो ये जो टू बान माइनस एक्स स्क् माइनस टू है वो एक्चुअल दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू है ना सो फाइनली एक्स इन टू टू एक्स बाय माइनस एक्स स्क्ज लेस देन वन अगर ये x इंटू वाई लेस देन वन है देन फॉर्मूला अप्लाई करने पे पाई ऐड होगा नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते चलो फिर फाइनली so अगेन वापस चलते हैं पे फॉर्मूला अप्लाई करने पे टेन इनवर्स ऑफ x प्लस टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वा डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स इंटू टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वा So, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन वन है इसलिए हम पाई ऐड नहीं करेंगे ठीक है सो फॉर्मूला के हिसाब से वी डोंट नीड टू ऐड पाई नाउ लेट सिंप्लीफाई चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या बनेगा ये दोनों का ये वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोसीजर एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ये कैसे लिखा पता चला ना भाई इसको ये जो है इसको मैंने यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहां पे जो डिनोमीटर है वन माइनस एक्स स्क्स को वन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया ठीक है दिस विल गोइंग वी गेट फाइनली ईयर एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर फाइनली हमारा आंसर बन गया एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वाच इज योअर आर एच एस खत्म वैसे इसको प्रूव करने के दूसरे भी तरीके हैं बट आई हेव ट्राइड माई बेस्ट टू सो यू द कंडीशनल तरीका है ना कि इसमें कंडीशन बन सकती है ताकि आपको कभी भी ऐसी कंडीशन जैसी चीजें बनानी हो डेफिनेटली यू वॉन्ट फाइंड फियर है ना आपको फियर ना लगे घबराहट ना फील हो है ना कम कंडीशन में जनरली स्टूडेंट घबराह जाते हैं कंडीशन जब भी बनानी हो स्टूडेंट विल स्टक इन देयर माइंड सो दैट्स वाई है मैथड इन विच वी हैव क्रिएटेड कंडीशन जो कंडीशन थी वो एक्जेक्टली exactly क्रिएट की एंड बेस्ड ऑन दैट एग्जैक्टली वी हैव रिजल्ट विदाउट कंडीशन वी वॉन्ट प्रूव एनी थिंग्स है ना हम कभी भी कुछ नहीं प्रूव करेंगे क्योंकि खुद एनसीआर की बुक में अगले वाले क्वेश्चन में विदाउट दिया था विदाउटन एक ही आंसर दिया था सो इफ यू कंडीशन डेफिनेटी वी सुव टू गेट इच एंड एवरी आंसर फॉर इच एंड एवरी कंडीशन ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके ये तो सिंपल सर छोटा सा क्वेश्चन है इसके इक्वल टू तो क्या सेक इन प्लस कौसेक इनवर्स क्या होता है तो फाइ बाई टू होता है वो पता है बट साथ में देख लो कंडीशन दे जो भी कंडीशन दी है उन लोग ने डैट कंडीशन के लिए ही होता है क्या हाँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू यही होती है मॉड एक्स ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू तो वन ही होता है ना यहाँ पे एक्स हमेशा ही वन से बट बड़ा एंड माइनस वन से छोटा ही रख सकते हैं मतलब यही रख सकते हैं एक्स की जगह पे सो द कंडीशन इज गिवन विच इज़ परफेक्ट सो दैट्स वाई आई कैन पुट दिस आंसर सेकेंड ओ सेक्स एंड सेकेंड ओ सेक्स का जो एडिशन का फॉर्मला है विच इज बाई बाय टू रख दिया एंड एज वी नो दैट कॉस बाइटू इज जीरो सो द आंसर इज ज़ीरो खत्म एग्जाम्पल एट तो दो स्टेप में ही है खत्म हो गया है ना ओके नाउ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू उसमें आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो वैसे तो एक्सा क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर ये चारों के चारों क्वेश्चन हो सकते हैं डेफिनेटली थ्री एंड फोर तो हो ही सकते हैं क्योंकि वो टेन यूनिवर्स के फॉर्म में है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेनवस वाई का फॉर्मूला पता है सो हम वी कैन ईजिली फाइंड द आंसर ऑफ दिस वन ये प्रूव कर सकते हैं आराम से यहाँ पे टू टेन यून वन बाई टू है तो आप एक काम करना उसको टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स प्लस टेन यूस लिख देना इसको टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन यूर्स वन बाई टू एंड अगेन अप्लाई दिस फार्मूला टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई सो यू कैन फाइंड आंसर ऑफ दिस वन और उसका जो भी आंसर मिले उसके लिए इसको इसको एड करके अगेन यू कैन क्रिएट द आंसर ऑफ दिस पॉसिबल फाइंड करो थर्ड एंड फोर्थ में फर्स्ट एंड सेकंड में यू कैन ट्राई फ्रॉम द आर है ना दोनों में और यहां पे एक्स क्या इजूम कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला का फॉर्मेट है थ्री साइन थीटा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा तो डेफिनेटली एक्स की जगह हमने क्या इजूम किया साइन थीटा एक्स की जगह साइन थीटा एज्यूम किया बराबर सो इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई बाय एज्यूमिंग एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड होल्ड द कंडीशन पहला स्टेप एज्यूम करना दूसरा स्टेप एक्स से थीटा में कन्वर्ट करना एंड तीसरे स्टेप में थीटा की जगह एक्स की जगह साइन थीटा रखोगे डेफिनेटली एल एच एस आर एच एस इक्वल टू एल एच एस का फॉर्मेट मिल जाएगा हंड्रेड परसेंट फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आपको एग्जाम्पल जो मैंने करवाए थे दो तीन कंडीशन वाले अगर वो परफेक्टली पता चल रहे हैं तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हलवा है आराम से आप कर सकते हो है ना यू वॉन्ट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू प्रूव दिस क्वेश्चन एंड इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई यू ट्राई है ना इफ पॉसिबल आप ट्राई करो हमेशा ही ट्राई करने से ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा है ना अगर नहीं हो रहा है डेफिनेटली आई विल गिव यू द हिंट एंड डेफिनेटली सोल्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर्स ओके फर्स्ट टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ एंड सिमिलर क्वेश्चन है एग्जाम्पल फाइव ये फाइव से हो सकता है सिक्स हो सकता है चलो सेवन एंड एट फिलहाल रहने दो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है आपके लिए अभी फिलहाल बाकी इसमें तो आपको कैसे कंडीशन है है। भी आपको पता है कैसे हैंडल करनी है एंड uh, चलो इसको भी छेड़ो इसको भी आप रहने दो नाइन एंड टेन को यू कैन सी इलेवन हो सकता है ट्वेल्व हो सकता है यहाँ पे सिक्स फिर उसको टू से मल्टीप्लाई कर लो दैट इज फाइव बाई थ्री फिर उसको कॉस्ट बाई बाय थ्री की वैल्यू बनाओ कॉस बाई बाई थ्री इज़ वन बाई टू देन टू इंटू वन बाई टू विच इज़ वन सन टेन इनवर्स वन इक्वल टू पाई बाई फोर तो ये तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए ठीक है तो ये हो गया बस ऐसे ही करना है फिर ये इसमें तो ये पता है इसका आंसर क्या होता है पाई बाई टू देन कॉट बाय बाई टू इक्वल टू जेड इज जीरो तो ये ट्वेल्व नंबर भी हो गया थर्टीन नंबर चलो उसको रहने दो अभी फिलहाल फोर्टीन नंबर ट्राई करो इसमें हीट में नहीं दे रहा हूँ ये है बहुत सिंपल बस इसमें हीट नहीं दे रहा हूँ चलो आप खुद से सोचो इसमें है ना ये अच्छा क्वेश्चन है हो सकता है आपका थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ओके मैं कल इसका सोल्यूशन दूंगा तब पता चल जाएगा ये तो बहुत ही ईजी था बस छोटी सी हीट सोचनी थी फिफ्टीन ट्राई मत करो सिक्सटीन कर सकते हो सेवेंटीन कर सकते हो एटीन भी कर सकते हो नाइनटीन एंड ट्वेंटी कर सकते हो ट्वेंटी वन भी कर सकते हो बराबर ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व करो खुद से कोशिश करो डेफिनेटली वी विल सॉल्व इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू वेरी मच दोस्तों